नमस्कार प्यारे साथियों साथियों, हम संसद टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रस्तावों की चर्चा की थी। एक आधे प्रस्ताव बचे हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में संकल्प क्या होते हैं, संकल्प की चर्चा करेंगे। और संकल्प की चर्चा के बाद में हम संसद में विधायी प्रक्रिया की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। प्रस्ताव में बात करें तो एक हमने कल की क्लास में पढ़ा था अविश्वास प्रस्ताव, और एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक विश्वास प्रस्ताव भी होता है विश्वास प्रस्ताव। देखो, अविश्वास प्रस्ताव है ये तो विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है, जैसे कि कल ही हमने बात की थी। वहीं विश्वास प्रस्ताव है ये विपक्षी दल के द्वारा नहीं लाया जाता है, बल्कि ये सरकार के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव है ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, न कि विपक्षी दल के द्वारा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के द्वारा, यानी इसमें जो भी प्रधानमंत्री है या जो भी सरकार है उसको बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता होती है लोकसभा में, बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता होती है लोकसभा में। तो इस प्रस्ताव के द्वारा जो भी सरकार या प्रधानमंत्री है वह अपना बहुमत सिद्ध करता है लोकसभा में, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद कह दें या सरकार कह दें। इसका सबसे पहले जो आदेश दिया गया 1979 में दिया गया, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, और मोरारजी देसाई के बाद में तत्कालीन जो प्रधान राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री बनाने के बाद में चौधरी चरण सिंह को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा या बहुमत हासिल करने के लिए कहा। जैसे कि हमने प्रधानमंत्री के साथ पढ़ा था कि कोई भी प्रधानमंत्री है तो उसको प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता लोकसभा में नहीं होती है, बल्कि प्रधानमंत्री बनने के एक माह के अंदर अंदर वो बहुमत सिद्ध करने के लिए उसे कहा जा सकता है। जब नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, तब चौधरी चरण सिंह ने विश्वास मत के लिए कार्य ही नहीं किया, बहुमत सिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इस्तीफा दे दिया पहले ही। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास मत या बहुमत का सामना ही नहीं किया, या विश्वास प्रस्ताव का सामना ही नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इसी तरह जो पीवी नरसिम्हा राव है इनके खिलाफ भी विश्वास, इनको भी विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था। पीवी नरसिम्हा राव इनको भी विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था, और इन्होंने विश्वास मत में सफलता प्राप्त की थी, विश्वास मत में सफलता प्राप्त की थी। जबकि तीन ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत में असफल भी रहे हैं, वीपी सिंह है, एक एचडी देवगौड़ा है, और अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत में असफल रहे हैं, विश्वास मत में असफल रहे हैं, अर्थात ये लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए या लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाए थे। ठीक है, तो चार पांच प्रधानमंत्री हो गए जिनको विश्वास मत या बहुमत हासिल करने के लिए कहा गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने तो पहले ही त्यागपत्र दे दिया, जबकि नरसिम्हा राव इसमें पास होते हैं, नरसिम्हा राव विश्वास मत हासिल कर लेते हैं, जबकि वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं या लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। एक है नियम 193, नियम 193, और एक है नियम 184, नियम 193 और एक है नियम 184। तो नियम 193 के तहत कोई भी विषय वस्तु यदि लोकसभा में लाई जाती है तो उस विषय वस्तु पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है।
इस नियम 193 के तहत कोई भी विषय वस्तु जब लोकसभा में लाई जाती है तो उसमें केवल और केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है, मतदान नहीं होता है। वहीं नियम 184 की बात करें तो नियम 184 के अंतर्गत कोई विषय वस्तु लाई जाएगी तो उस पर चर्चा भी होगी और उस पर मतदान दोनों होते हैं, तो चर्चा के साथ साथ मतदान भी होता है अनुच्छेद नियम 184 के अंतर्गत। एक नियम 237 भी है, नियम 237, जैसे कल ही हमने पढ़ा था विशेष उल्लेख, कल का कुछ याद आ रहा हो, कल हमने एक विशेष उल्लेख पढ़ा था, 77 है। नियम 377 की बात करें तो हमने जो विशेष उल्लेख की बात की थी ना, वही नियम 377 है। अर्थात ऐसा कोई मामला है जो औचित्य प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आधे घंटे की चर्चा में नहीं उठाया जा सकता है, 2 घंटे की चर्चा में नहीं उठाया जा सकता है, प्रश्नकाल में नहीं उठाया जा सकता है, तो ऐसे विषय को नियम 377 या विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है नियम 377। ये कुछ नियम हो गए, नियम 193, नियम 184 और नियम 377। अब हम बात कर लेते हैं संकल्प। संकल्प देखो, अभी हम बात कर रहे थे प्रस्तावों की और अब हम बात करते हैं संकल्प की। तो संकल्प की बात करें तो संकल्प साधारण कोई लोक महत्व का मामला है, तो साधारण लोक महत्व के मामले के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए कोई भी सदस्य संकल्प ला सकता है। यानी सदस्य गैर सरकारी हो सकता है या ये सदस्य सरकारी हो सकता है अर्थात मंत्री हो सकता है, सरकारी हो सकता है अर्थात मंत्री हो सकता है। तो साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई भी सदस्य यानी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य है वो संकल्प ला सकता है। संकल्प की बात करें तो संकल्प है ये 3 प्रकार के होते हैं, संकल्प 3 प्रकार के होते हैं, संकल्प 3 प्रकार एक होता है गैर सरकारी संकल्प, गैर सरकारी संकल्प देखो, गैर सरकारी संकल्प है ये गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। गैर सरकारी सदस्य का मतलब है जो सदस्य संसद का तो सदस्य है लेकिन वो मंत्री नहीं है, संसद का सदस्य लेकिन मंत्री नहीं है उसको कहा जाता है गैर सरकारी सदस्य। और ये जो गैर सरकारी संकल्प है इसको शुक्रवार के दिन या फिर दोपहर के बाद की बैठक में लाया जा सकता है, या तो शुक्रवार के दिन लाया जा सकता है या दोपहर के बाद की जो बैठक होती है उसमें ये संकल्प लाया जा सकता है। दूसरा तरह का जो संकल्प होता है वो होता है सरकारी संकल्प, सरकारी संकल्प। और सरकारी संकल्प की बात करें तो सरकारी जो संकल्प होते हैं ये सरकारी सदस्य के द्वारा लाए जाते हैं अर्थात किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है, तो किसी मंत्री या सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। और जो सरकारी संकल्प है ये सोमवार से गुरुवार तक किसी भी दिन लाया जा सकता है, सोमवार से लेकर गुरुवार तक किसी भी दिन सरकारी संकल्प लाया जा सकता है। सुंदरलाल मीना, गुड इवनिंग। और तीसरे तरह का जो संकल्प होता है वो होता है सांविधिक संकल्प, सांविधिक संकल्प। और सांविधिक संकल्प की बात करें तो ये सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा
जा सकता है। तो ये किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो गैर सरकारी है या फिर सरकारी है। सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। और ये जो सांविधिक संकल्प है, संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जाता है। संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जाता है। संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जाता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है सांविधिक संकल्प। तो संकल्प तीन तरह के हो गए, सरकारी, गैर सरकारी, सांविधिक संकल्प। कुछ मामले हैं जिनमें संकल्प पेश किए जाते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं कि संकल्प किस किस मामलों में पेश किए जाते हैं। तो निम्न निम्नलिखित के लिए संकल्प पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित के लिए संकल्प पेश किए जाते हैं। पहला, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ना, उसके लिए संकल्प पेश किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है, तो महाभियोग चलाने के लिए संकल्प लाया जाता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए भी संकल्प लाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, अनुच्छेद 67। इसके अलावा जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति ही होगा, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति है, इसको पद से हटाने के लिए भी संकल्प लाया जाता है, अनुच्छेद 90 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इनको हटाने के लिए भी संकल्प लाया जाता है, अनुच्छेद 94 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किए गए अध्यादेश हैं, उन अध्यादेशों का निर्नुमोदन करने के लिए भी संकल्प लाया जाता है। निर्नुमोदन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, उस अध्यादेश को संसद यदि समाप्त करना चाहती है तो संसद उस अध्यादेश का क्या करेगी, निर्नुमोदन करेगी। और निर्नुमोदन करने के बाद अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए भी क्या लाया जाता है, संकल्प लाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के निर्नुमोदन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में, इसके लिए भी संकल्प लाया जाता है। इसके अलावा संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने के लिए भी संकल्प लाया जाता है। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने के संकल्प लाया जाता है, अनुच्छेद 249 के तहत। इसके अलावा आपात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए संकल्प लाया जाता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए संकल्प होता है, अनुच्छेद 352। संवैधानिक आपात की घोषणा, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 360, इनके लिए भी संकल्प लाया जाता है। संकल्प, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संकल्प,
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प लाया जाता है, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए संकल्प लाया जाता है, और संसद द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान या विधि बनाने के लिए संकल्प लाया जाता है, राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा की जाती है उसके लिए संकल्प लाया जाता है, संवैधानिक आपात अनुच्छेद 356 के तहत जो घोषणा की जाती है उसके लिए संकल्प लाया जाता है, वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत उसके लिए संकल्प लाया जाता है। तो ये कुछ विषय हो गए जहाँ संकल्प लाया जाता है। अब एक शब्द हो गया संकल्प और एक शब्द हो गया प्रस्ताव, दोनों में अंतर की बात कर लेते हैं। संकल्प एवं प्रस्ताव में अंतर, देखो जो संकल्प हैं ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, सभी जो संकल्प हैं वो सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं। इस तरह संकल्प भी एक तरह का प्रस्ताव ही है लेकिन वो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जबकि प्रस्ताव सभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रस्तावों की बात करें तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण नहीं होते, कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं कुछ नहीं होते हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, एक अंतर तो ये है। दूसरा जो अंतर है उसकी बात करें तो जो सभी संकल्प हैं उनको सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना जरूरी है, सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना जरूरी है। और जो प्रस्ताव हैं इनको सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना आवश्यक नहीं है, इनको सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना आवश्यक नहीं है। ये अंतर होता है संकल्प और प्रस्ताव में। तो संकल्प हैं वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, जबकि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं होंगे। संकल्पों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना जरूरी है, क्योंकि प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाना जरूरी नहीं है। ये संकल्प और प्रस्ताव की बात हो गई। एक है युवा संसद योजना, युवा संसद योजना, युवा संसद योजना की बात करें तो युवा संसद जो चौथा अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन था, इस चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन की अनुशंसा पर युवा संसद योजना की शुरुआत की गई थी। चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन, सम्मेलन की अनुशंसा पर युवा संसद योजना प्रारंभ की गई। और सबसे पहले जो ये जो युवा संसद योजना थी ये 1966-67 में दिल्ली विश्वविद्यालयों में शुरू की गई, दिल्ली विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटी में ये शुरू की जाती, दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू की जाती है। और उसके बाद में ये प्रत्येक राज्य के जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें युवा संसद योजना चालू की गई है या युवा संसद का आयोजन किया जाता है सभी राज्यों के, सभी विश्वविद्यालय वे महाविद्यालय, महाविद्यालयों में युवा संसद योजना का आयोजन किया जाता है, युवा संसद का आयोजन किया जाता है। अब युवा संसद है इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तुम बात करें युवा संसद होती क्या है। देखो इसमें संसद की तरह ही कार्यवाही की जाती है, इसमें
विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं वो भाग लेते हैं, और जिस तरह संसद के सदनों में बहस होती है, वाद विवाद होता है, मतदान होता है, वो सारी की सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो एक तरीके से संसद की जो कार्यवाही है उसी का अनुसरण किया जाता है विश्वविद्यालयों में। तो इसके उद्देश्य की बात करें कि क्यों ये योजना प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है युवा जो पीढ़ी है उसको संसद की कार्यवाही से अवगत कराना, ताकि युवा पीढ़ी है वो संसद की कार्यवाही को जान सके। तो पहला उद्देश्य है युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराना, और दूसरा इसका उद्देश्य है छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाना। छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाना। ठीक है, ये दो उद्देश्य हैं, युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराना और छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझा। ये है इस युवा संसद योजना का उद्देश्य। और ये जो युवा संसद योजना है, इस युवा संसद योजना को समझाने के लिए जो संसदीय कार्य मंत्रालय है वो जरूरी प्रशिक्षण देता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय इसके लिए प्रशिक्षण देता है। संसदीय कार्य मंत्रालय इसके लिए क्या देता है? प्रशिक्षण देता है इस योजना को समझाने के लिए। तो ये हो गई आपकी युवा संसद योजना। अब हम बात कर लेते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद में विधेयक पेश करने वाले के आधार पर विधेयक हैं वह दो तरह के होते हैं। विधेयक पेश करने वाले के आधार पर, दो प्रकार के होते हैं विधेयक। एक होता है सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक है ये किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, और ये किसी भी मंत्री के अलावा अन्य जो सदस्य है वो पेश करता है। अन्य सदस्य, मंत्री के अलावा अन्य सदस्य है वो जो पेश करेगा उस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक, और मंत्री के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाएगा उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो इन ये जो दोनों विधेयक हैं इनकी पारित होने की, पेश होने की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान है। दोनों की प्रक्रिया है वो लगभग समान है, पूरी तरह से समान नहीं है, लगभग समान है, बल्कि कुछ अंतर भी है, कुछ अंतर भी। अब अंतरों की बात कर लें, कौन कौन से अंतर हैं, बाकी की चीज़ें समान रहेंगी। अंतर की बात कर लेते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो अंतर है वो ये है कि इसको पेश करने वाले अलग होते हैं। जो सरकारी विधेयक होते हैं इनको पेश मंत्री करते हैं, इसको पेश मंत्री करते हैं यानी सरकारी सदस्य करते हैं। वहीं जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसको कोई भी अन्य सदस्य जो मंत्री नहीं है वो पेश करता है। दूसरा अंतर ये है कि ये जो सरकारी विधेयक है सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सरकार की
नीतियों को प्रदर्शित करता है। वहीं जो गैर सरकारी विधेयक है ये विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सामान्यतः जो गैर सरकारी विधेयक है ये विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है। जो भी पक्ष में है या जिसकी सरकार है उसकी तरफ से कोई भी विधेयक पेश होगा तो वो मंत्री करेगा, साधारण सदस्य नहीं करता है। जबकि गैर सरकारी विधेयक सामान्यतः विपक्षी दल के द्वारा या विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है, इसी वजह से इसमें विपक्षी दल के मंतव्य का प्रदर्शन इसमें होता है। ठीक है, दूसरा अंतर ये है। तीसरे अंतर की बात करें तो जो सरकारी विधेयक होता है उसकी पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि सरकार उसी की होती है जिसका बहुमत होता है, और बहुमत होगा तो पारित होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो पारित होने की पूरी संभावना, सरकारी विधेयक के पारित होने की पूरी संभावना होती है। वहीं जो गैर सरकारी विधेयक है इसके पारित होने की कम संभावना होती है। पारित होने की कम संभावना इसलिए होती है कि विपक्षी दल है, उसका बहुमत तो वैसे भी नहीं है, तो पारित होने की कम संभावना होने की कम संभावना होती। अगले अंतर की ओर चलें। चौथा जो अंतर है वो ये है कि यदि सरकारी विधेयक पारित नहीं हो पाता है, यानी अस्वीकृत हो जाता है, तो सरकार को त्याग पत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कि इससे ये पता चला, यदि सरकारी विधेयक पारित नहीं हुआ तो इससे ये पता चला कि जो सरकार है या जो वर्तमान मंत्रिपरिषद है उसका बहुमत नहीं है लोकसभा में, उसका बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो उसको त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। उस गैर सरकारी विधेयक के अस्वीकार होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। वहीं यदि गैर सरकारी विधेयक अस्वीकार हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार के त्याग पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अस्वीकार होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात किसी भी तरह के त्याग पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो अंतर है वो ये है कि सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले कम से कम 7 दिन पूर्व का नोटिस देना जरूरी होता है। वहीं गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से कम 1 माह पहले नोटिस देना जरूरी होता है। तो ये 7 दिन के पूर्व नोटिस पर पेश किए जा सकते हैं सरकारी विधेयक। वहीं गैर सरकारी विधेयक हैं ये 1 माह के नोटिस पर पेश किए जाते हैं। एक अंतर ये है। और छठा अंतर ये है कि जो सरकारी विधेयक है वो संबंधित विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, संबंधित विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात जिस मंत्री ने पेश किया है उससे संबंधित विभाग, जैसे कि वित्त मंत्री ने पेश किया तो वित्त विभाग तैयार करेगा, रक्षा मंत्री ने पेश किया तो रक्षा विभाग तैयार करेगा, रेल मंत्री ने विधेयक पेश किया है तो रेल मंत्रालय है वो विधेयक को तैयार करेगा। या वहीं जो गैर सरकारी विधेयक है उसको संबंधित सदस्य तैयार करता है, संबंधित सदस्य तैयार करता है, अर्थात जो सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य पेश करता है वही उसको तैयार करता है। ये डिफरेंट होता है, अंतर होता है सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में। तो प्रस्तुत करने वाले के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, और सदन में जो प्रस्तुत विधेयक है वो 4 प्रकार के होते हैं। सदन में प्रस्तुत विधेयक 4 प्रकार के,
पहला होता है साधारण विधेयक, पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा प्रकार धन विधेयक, तीसरा प्रकार वित्त विधेयक, और चौथा प्रकार संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो एक सदन या संसद में प्रस्तुत होने वाले जो विधेयक हैं वो चार तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। चारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। देखो साधारण विधेयक संसद में पेश होने से लेकर पारित होकर कानून बनने तक कुछ चरणों से गुजरता है, उन चरणों की बात कर लेते हैं। तो साधारण विधेयक किसी भी संसद के सदन में पेश होने से लेकर पारित होकर कानून बनने तक कुछ चरणों से गुजरता है जो निम्न चरण है। पहले चरण की बात करें तो पहला जो चरण है वो है पेश करना, यानी विधेयक पेश करना। ये जो पहला चरण है इसमें विधेयक पेश किया जाता है, और विधेयक जो पेश किया जाता है वो सरकारी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। सबसे पहले विधेयक का जो चरण होगा वो पेश करने का चरण होगा। इसमें विधेयक है वो किसी भी सदन में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जाता है और किसी भी सदन में किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। ये जो पहला चरण है पेश करना, इसमें विधेयक पर तीन पाठन होते हैं या तीन वाचन होते हैं, तीन पाठन या तीन वाचन होते, तीन पाठन या तीन वाचन होते हैं प्रथम चरण में जो पेश किया जाता है विधेयक उसमें। अब इसमें प्रथम पाठन की बात करें, प्रथम पाठन, प्रथम पाठन में विधेयक का प्रस्तुतीकरण और विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन शामिल है। प्रथम जो पाठन है इसमें एक तो विधेयक का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, विधेयक का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, अर्थात विधेयक है वो किसी भी सदन में पेश किया जाता है, और विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है, गजट में या राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है। तो ये दो बातें होती हैं प्रथम चरण में, अर्थात जो प्रथम चरण है इसमें विधेयक पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है, कोई मतदान नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है, कोई वाद विवाद नहीं होता है। इसके बाद में द्वितीय पाठन, और जो द्वितीय पाठन है ये सबसे महत्वपूर्ण पाठन है, तीनों पाठनों में या वाचनों में सबसे महत्वपूर्ण पाठन की बात करें तो वो द्वितीय द्वितीय पाठन। द्वितीय पाठन की बात करें तो तीनों पाठनों में जो सबसे महत्वपूर्ण पाठन है वो यही है, सबसे महत्वपूर्ण पाठन या वाचन है द्वितीय पाठन। इस द्वितीय पाठन या वाचन में जो विधेयक होता है उस पे विस्तृत समीक्षा की जाती है, विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है और साथ ही साथ विधेयक पर बहस की जाती है, विधेयक पर विस्तृत चर्चा और विधेयक पर वाद विवाद अर्थात बहस की, और जो विधेयक है उस विधेयक पर विस्तार पूर्वक विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा की जाती है, या हम कह दें खंडवार चर्चा की जाती है।
विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार चर्चा की जाती। ये होता है द्वितीय पाठन में। द्वितीय पाठन में विधेयक की विस्तृत समीक्षा, विधेयक पर बहस और विधेयक पर विस्तार पूर्वक खंडवार चर्चा की जाती है। तृतीय जो पाठन होता है, इसमें विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, यानी या तो स्वीकृत किया जाएगा या फिर अस्वीकृत किया जाएगा। इसमें तृतीय जो पाठन है, इसमें विधेयक को या तो स्वीकृत किया जाएगा या फिर अस्वीकृत किया जाएगा। अर्थात इसमें तृतीय जो पाठन है, इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा बहस नहीं होती, किसी भी प्रकार की चर्चा बहस इसमें नहीं होती है, केवल स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है, और किसी भी प्रकार का विधेयक में संशोधन भी नहीं होता है। इन संशोधन वगैरह जो भी होना है वो द्वितीय चरण में ही होगा, द्वितीय पाठन में ही होगा, तृतीय पाठन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होता है। जब विधेयक को स्वीकृत कर लिया जाता है, विधेयक को बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाता है, जो भी पीठासीन अधिकारी है वो पीठासीन अधिकारी विधेयक को दूसरे सदन में भेज देता है, पीठासीन अधिकारी दूसरे सदन में भेज देता है। अर्थात यदि वो ये जो प्रक्रिया, मानो कि सबसे पहले लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ और तीनों पाठों से गुजरने के बाद में विधेयक स्वीकृत हो गया, लोकसभा का जो भी पीठासीन अधिकारी है अर्थात जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो राज्यसभा में भेज देगा विधेयक को, या फिर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत हुआ है और राज्यसभा ने तीनों पाठन करके उस विधेयक को स्वीकृत कर दिया, तो राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है सभापति, वो विधेयक को लोकसभा में भेज देगा। तो इस तरह स्वीकृत होने के बाद में जो भी पीठासीन अधिकारी है वो दूसरे सदन में विधेयक भेज देता है। अब दूसरा चरण शुरू हो जाता है, दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन में विधेयक। अनिल, राधे राधे। दूसरे सदन में विधेयक पेश कर दिया गया। अब दूसरे चरण में भी तीन पाठन होंगे, यानी सेम प्रक्रिया होगी। प्रथम पाठन होगा, प्रथम पाठन के अंतर्गत विधेयक पेश, प्रस्तुतिकरण और गजट में प्रकाशन। उसके बाद में द्वितीय पाठन होगा, द्वितीय पाठन में विधेयक पर खंडवार चर्चा, विस्तृत समीक्षा और बहस होगी, और फिर तृतीय पाठन हो, और तृतीय पाठन में विधेयक को स्वीकृत कर लिया जाएगा या अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो दूसरा जो सदन होता है, इस दूसरे सदन के पास विधेयक के संबंध में चार विकल्प होते हैं। दूसरा जो सदन होता है उसके पास पहले सदन से पारित विधेयक में के संबंध में चार विकल्प होते हैं। या दूसरे सदन का मतलब आप राज्यसभा मत ले लेना, यहाँ दूसरे सदन का मतलब है कि पहला जो भी सदन है जिसमें विधेयक पेश हुआ सबसे पहले, वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है। मानो पहले लोकसभा में पेश हुआ तो दूसरा सदन राज्यसभा, और पहले राज्यसभा में पेश हुआ विधेयक तो फिर दूसरा सदन लोकसभा। ये चीज ध्यान रखे। तो दूसरे सदन के पास चार विकल्प हैं विधेयक के संबंध में। पहला विकल्प ये है कि पहले सदन के द्वारा जो पारित होकर विधेयक आया है उसको उसी रूप में पारित कर दे, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करे, उसी रूप में विधेयक पारित कर दे, उसी रूप में विधेयक पारित कर दे, और उसी रूप में विधेयक पारित कर देगा तो फिर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमति के लिए अनुच्छेद 111 के तहत। दूसरा विकल्प है कि जो प्रथम सदन ने विधेयक भेजा है उसमें कुछ संशोधन सुझाए और संशोधन सुझा के उसको वापस से प्रथम सदन के पास पुनः विचारार्थ भेज दे। तो संशोधन के साथ पारित करके, संशोधन के साथ पारित करके वापस प्रथम सदन के पास, प्रथम सदन के पास विचारार्थ भेज दे।
अब ऐसी स्थिति में विधेयक है वो वापस प्रथम सदन के पास जाएगा, प्रथम सदन वापस से उस विधेयक पर वही सेम प्रक्रिया करेगा और पुनः पारित भी कर सकता है या फिर ऐसा संशोधन को अस्वीकार भी कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, तो या तो संशोधन को मानकर स्वीकृत करके पारित कर दे या फिर संशोधनों को अस्वीकार भी कर सकता है, दोनों ही ऑप्शन उसके पास होते हैं। तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक है वो अस्वीकृत करते, विधेयक अस्वीकृत करते, यानी प्रथम सदन के द्वारा जो पारित होकर विधेयक आया है उसको दूसरा जो सदन है वो अस्वीकृत भी कर सकता है। और चौथा विकल्प ये होता है कि वो कोई भी कार्यवाही ना करे और विधेयक को लंबित कर दे, कोई भी कार्यवाही न करे और विधेयक को लंबित कर दे, लंबित कर दे, यानी ना तो उसी रूप में पारित करे, ना ही संशोधन के साथ पारित करे और ना ही अस्वीकृत करे, केवल कोई कार्यवाही न करे, विधेयक को रखे अपने पास रखे और भूल जाए, है ना, विधेयक को लंबित कर दे। ये चार विकल्प होते हैं दूसरे सदन के पास। देखो विधेयक पारित हो जाएगा राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, यदि संशोधन के साथ पारित होकर प्रथम सदन के पास जाएगा तो प्रथम सदन के पास दो विकल्प हैं, तो पारित कर दे या फिर अस्वीकृत कर दे, और विधेयक को अस्वीकृत कर दे। और तीसरा विकल्प है कोई भी कार्यवाही न करे, विधेयक को लंबित कर दे। ये जो तीन स्थितियां हैं ना, तीन ऐसी स्थितियां हैं जिसमें विधेयक पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, विधेयक पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, वो तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि प्रथम सदन ने जो विधेयक भेजा है दूसरे सदन में, वो जो दूसरा सदन है वो विधेयक को अस्वीकृत कर दे, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, ये दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति पैदा करेगा। दूसरी जो स्थिति है जो गतिरोध उत्पन्न करेगी, दूसरा वो है कि दूसरा जो सदन है वो संशोधन के साथ पारित करके विधेयक को वापस प्रथम सदन के पास भेजे और प्रथम सदन उस संशोधन को अस्वीकृत कर ले। तो दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकृत कर दे, प्रथम सदन अस्वीकृत कर दे, तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाएगी। और तीसरी स्थिति है कि विधेयक है वो 6 माह तक लंबित कर दे, यानी पहला जो सदन है उसके पास विधेयक आया, उसने कोई कार्यवाही नहीं की, विधेयक को लंबित कर दिया और 6 माह तक उसने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी स्थिति में अर्थात वो 6 माह तक विधेयक लंबित हो गए, तो तीनों स्थितियों को माना जाता है कि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इस गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए जो प्रावधान है संविधान में वो है संयुक्त बैठक का, यानी इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक ही चर्चा उस पर भी करेंगे। ठीक है, अब बात यह आती है कि दूसरा सदन भी विधेयक पारित कर दे अर्थात किसी भी प्रकार की गतिरोध की स्थिति पैदा ना हो, तो फिर विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास और तीसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। तो तीसरे चरण में विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब दोनों सदनों द्वारा पारित होकर विधेयक जाता है, अनुच्छेद 111 के तहत ऐसे विधेयक के
के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। इनकी चर्चा हमने पहले भी की थी जब हम राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर ये वापस से चर्चा आ गई। पहला विकल्प है कि विधेयक पर स्वीकृति दे दे, विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे। दूसरा विकल्प है कि स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, स्वीकृति को सुरक्षित रख ले। और तीसरा विकल्प है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, धन विधेयक को, अर्थात धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो जब विधेयक को स्वीकृति राष्ट्रपति दे देता है तो विधेयक पारित होकर बन जाता है कानून या अधिनियम। यदि स्वीकृति को सुरक्षित रख लेता है तो फिर वीटो का प्रयोग हो गया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा हो गया। और जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया विधेयक को और दोनों सदन उस पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, और पुनः पारित होकर वापस से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आएगा, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। और जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा तो वो जो विधेयक है वो बन जाएगा कानून या अधीन, कानून या अधीन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि विधेयक क्या है और कानून यानी एक्ट में अंतर क्या है, ये भी चीज समझ में आ गई। अर्थात एक विधेयक या एक विषय वस्तु संसद के किसी भी सदन में पेश होने से लेकर दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति तक कहलाएगा विधेयक। और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको मिल जाएगी तो वो विधेयक क्या किसमें बदल जाएगा, कानून विधि या अधिनियम अर्थात एक्ट में बदल जाएगा। तो बिल और एक्ट, विधेयक और अधिनियम, इन दोनों में भी डिफरेंट होता है, अंतर होता है। अर्थात पारित होने से पहले विधेयक और पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में एक्ट या अधिनियम, कानून या विधि बन जाता है। ये हो गई साधारण विधेयक की बात। ठीक है, तो एक साधारण विधेयक पेश होने से पारित होकर एक्ट बनने तक की प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा तरह का जो विधेयक होता है वो होता है धन विधेयक, धन विधेयक। और धन विधेयक की जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे रखी। और वो कौन कौन से विधेयक या कौन कौन सी जो विषय वस्तु है जिनके संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा वो धन विधेयक होगा, इसको अनुच्छेद 110 में बता रखा है। तो हम उन विधेयकों की बात कर लें या उन विषय वस्तुओं की बात कर लें जो धन विधेयक होते हैं। तो किसी भी कर का अधिरोपण, किसी भी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब है कोई भी कर लगाना, उत्सादन अर्थात कर को समाप्त करना, उत्सादन का मतलब है कर को समाप्त करना, परिहार अर्थात कर में किसी भी प्रकार की कटौती करना, परिवर्तन अर्थात कर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, और विनियमन करना। करने से संबंधित कोई भी विधेयक होगा तो वो कौन सा होगा, धन विधेयक। तो कर को लगाना, कर को समाप्त करना, कर में परिहार अर्थात कर में कटौती करना, कर में परिवर्तन करना, कर का विनियमन करना, इनसे संबंधित कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा जो उधार लिया गया धन है उसके विनियमन से संबंधित कोई विधेयक है तो धन विधेयक है।
सरकार द्वारा लिए गए, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन से संबंधित विधेयक भी धन विधेयक होता है। तीसरा, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए कोई विधेयक है, वो भी धन विधेयक होता है। भारत की संचित निधि, वह आकस्मिक निधि, निधि की अभिरक्षा से संबंधित विधेयक भी कैसा होता है, धन विधेयक होता है। अबे संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या है, इसकी भी चर्चा हो जाएगी आगे आने वाली क्लास में। तो अभी इतना याद रख लीजिए कि भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा अर्थात उसकी रक्षा उपायों के लिए जो विधेयक पेश किया जाएगा वो भी धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि से विनियोग भी धन विधेयक होता है। भारत की संचित निधि से विनियोग, संबंधित विधेयक भी धन विधेयक हो। इसके अलावा भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित व्यय की उद्घोषणा करने से संबंधित विधेयक, और भारित व्यय की जो राशि है उसमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयक भी धन विधेयक होता है। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की उद्घोषणा, भारित व्यय की उद्घोषणा व ऐसी राशि में वृद्धि, ऐसी राशि में वृद्धि के लिए कोई विधेयक लाया जाएगा तो वो भी कैसा विधेयक होगा, धन विधेयक होगा। इसके अलावा भारत की संचित निधि और भारत का जो लोक लेखा है उसे किसी भी प्रकार की धन प्राप्ति और अभिरक्षा से संबंधित जो विधेयक हैं वो भी धन विधेयक होते हैं। भारत की संचित निधि, वह लोक लेखा निधि से धन की प्राप्ति, से धन की प्राप्ति व अभिरक्षा से संबंधित भी कोई विधेयक है वो भी धन विधेयक होता है। और ये जितने भी हमने विषय पढ़े हैं अभी तक, ये जो 6 लाइनों में जो विषय पढ़े हैं, इन विषयों से संबंधित कोई आनुषांगिक विषय है, इन विषयों से संबंधित कोई आनुषांगिक विषय है उसके संबंध में जो विधेयक है वो भी धन विधेयक होता है। तो ये धन विधेयक की बातें हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनके आधार पर धन विधेयक नहीं होता। तो निम्न कारणों के आधार पर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। निम्न कारणों के आधार पर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। पहला कारण है जिसके आधार पर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा, यानी कोई विधेयक कोई जुर्माना का अधिरोपण करता है, कोई विधेयक कोई जुर्माने का अधिरोपण करता है तो वो विधेयक धन विधेयक नहीं हो। दूसरा, कि अनुगप्तियों के लिए फीसों की मांग की जाती है या फिर की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग की जाती है उससे संबंधित विधेयक भी धन विधेयक नहीं होगा। अनुगप्तियों के की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग जो की जाती है उस फीसों की मांग से संबंधित विधेयक भी
धन विधेयक नहीं होता। और इसके अलावा किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय निकाय के लिए के द्वारा किसी स्थानीय प्रयोजन के लिए कोई कर लगाया जाता है या कर का अधिरोपण किया जाता है, उत्सादन किया जाता है, परिहार किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है या विनियमन किया जाता है, वो भी धन विधेयक नहीं होगा। तो किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्रयोजन या कहते हैं हम स्थानीय उद्देश्य के लिए किसी कर का, वही पांच शब्द हैं, अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन करने से संबंधित कोई उपबंध है वो भी धन विधेयक नहीं होगा। यहाँ कर के अधिरोपण का मतलब है कर को लगाना, उत्सादन का मतलब कर समाप्त करना, परिहार मतलब कर में कटौती, परिवर्तन मतलब परिवर्तन कर में, विनियम करना से संबंधित कोई उपबंध है वो भी धन विधेयक नहीं होगा। ये तीन कारण हैं। इन तीनों कारणों के आधार पर कोई विधेयक है वो धन विधेयक नहीं माना जा सकता है। देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक क्या है उसकी जो परिभाषा दे रखी है वो अनुच्छेद 110 में दे रखी है। धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक क्या है वो अनुच्छेद 110 में दे रखी है, जबकि धन विधेयक की पारित होने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 109 में, ठीक है। अब हम धन विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया की बात कर लें या धन विधेयक की विशेषताओं की बात कर लें। धन विधेयक की विशेषताएं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इस बात का जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का, और लोकसभा का जो निर्णय है ये अंतिम होता है। लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, अर्थात लोकसभा के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा का जो निर्णय है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है, उस निर्णय को संसद, न्यायालय या फिर राष्ट्रपति किसी के भी समक्ष चुनौती नहीं दी जा, ये समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात अगली कि जो धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक की हमने बात की थी कि साधारण विधेयक तो दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। आशा, गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ लोकसभा में भी ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद पेश होता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद या पूर्व सहमति के बाद, यानी पहले धन विधेयक पर राष्ट्रपति से सहमति ली जाती है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही धन विधेयक है ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है। एक साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर बराबर शक्तियां हैं,
है ना, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि एक तो राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं कर किया जा सकता, दूसरा लोकसभा से पारित होकर जब राज्यसभा में धन विधेयक जाएगा तो राज्यसभा केवल धन विधेयक पर विचार कर सकती है, केवल विचार कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, लेकिन ना तो धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है और ना ही धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो राज्यसभा है वो केवल धन विधेयक पर विचार कर सकती है और सिफारिश कर सकती है, अस्वीकृत नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। और जो राज्यसभा है वो केवल 14 दिन धन विधेयक को रोक सकती है, राज्यसभा केवल 14 दिन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन में या तो राज्यसभा स्वीकृति दे दे। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो लोग राज्यसभा के पास केवल और केवल धन विधेयक को 14 दिन तक विलंब करने की शक्ति है, इससे ज्यादा नहीं। 14 दिन के बाद अपने आप ही उस विधेयक को पारित समझा जाता है। जब दोनों सदनों के द्वारा विधेयक पारित हो जाएगा तो विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के लिए जब राष्ट्रपति के पास जब स्वीकृति के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भी स्वीकृति के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं, अर्थात धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है, यानी या तो राष्ट्रपति इसको स्वीकृत करेगा या फिर अस्वीकृत करेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो सहमति है वो पहले से ही ले ली जाती है। जब राष्ट्रपति ने पहले से ही सहमति दे दी है तो राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृत ही करता है सामान्यतः, वैसे बाध्यकारी नहीं है लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृत ही करता है, क्योंकि उसकी जो सहमति है वो पहले से ही ले ली जाती है। इसके अलावा जो धन विधेयक होता है इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, वैसे इसमें गतिरोध की स्थिति पैदा ही नहीं होगी, जो धन विधेयक है उस पर गतिरोध की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। संयुक्त बैठक तो गतिरोध की स्थिति में बुलाई जाती है ना, क्योंकि राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं करती है धन विधेयक को, तो भी पारित होगा, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं होता है। और यदि धन विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो धन विधेयक यदि लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसलिए धन विधेयक का पारित होना जरूरी, पारित नहीं होता है तो सरकार या मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ये धन विधेयक की विशेषताएं हो गई और धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया हो गई। नहीं, बाकी की जो प्रक्रिया है वो सेम है, बाकी की प्रक्रिया है वो सेम है, दोनों सदनों में पेश होगा, वो प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन होंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो सेम है। लेकिन अंतर इतना है कि राज्यसभा के पास इसके लिए सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है धन विधेयक को, राज्यसभा या तो स्वीकृत कर सकती है धन विधेयक को, या फिर सिफारिश कर सकती है, या फिर विचार कर सकती है, इससे ज्यादा राज्यसभा नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती है, साथ ही धन विधेयक वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है। तो ये कुछ अंतर है साधारण विधेयक और धन विधेयक में, बाकी की सेम प्रक्रिया है, पर एक अंतर ये है साधारण धन विधेयक में कि राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, साधारण विधेयक को लौटा सकता है लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा। एक होता है वित्त विधेयक, तीसरा जो प्रकार है वो है वित्त विधेयक।
राजस्व और व्यय से संबंधित विधेयक, राजस्व व्यय से संबंधित विधेयक। वित्त विधेयक होता है। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष में नए कर लगाने से संबंधित कोई विषय वस्तु, उससे संबंधित विधेयक। करों में कोई संशोधन करना है, उससे संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होता है। आगामी वर्ष में नए कर लगाने से संबंधित विधेयक। वित्त विधेयक होता है। करों में संशोधन से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक कौन कौन से होंगे? राजस्व व्यय से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होगा, आगामी वर्ष में नए कर लगाने से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक होगा, और करों में संशोधन से संबंधित विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है। देखो, वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक हैं सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यानी जो धन विधेयक होते हैं ये भी वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है ये भी वित्त विधेयक होते हैं। दूसरा वित्त विधेयक फर्स्ट, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117(1) में है। वित्त विधेयक फर्स्ट अनुच्छेद 117(1) और वित्त विधेयक सेकंड, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117(3) में। अनुच्छेद 117(3) में ये तीन तरह के वित्त विधेयक होते हैं। इससे एक बात ये क्लियर हुई कि जो सभी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक ही होते हैं। सभी धन विधेयक हैं ये वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी जो वित्त विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं होंगे। सभी वित्त विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी धन विधेयक इसलिए वित्त विधेयक होंगे कि धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 117(1) और 117(3) में जो बातें की गई हैं वो धन विधेयक से संबंधित नहीं होंगी, तो ये धन विधेयक नहीं हो। बात क्लियर हो गई। तो धन विधेयक की तो हमने चर्चा कर ली, 110 के तहत जो धन विधेयक था उसकी चर्चा कर ली। अब हम वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड की बात करेंगे। वित्त विधेयक प्रथम, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117(1) में। वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करें तो इसमें शामिल विधेयकों की बात करें तो अनुच्छेद 110 से संबंधित सभी मामले इसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 110 से संबंधित सभी मामले इसके अंतर्गत होंगे, और इसके अलावा ऋण संबंधी खंड जिस विधेयक में है, ऋण संबंधी खंड जिस विधेयक में है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करें तो अनुच्छेद 110 से संबंधित सभी मामले इसके अंतर्गत शामिल होंगे, ऋण संबंधी खंड है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आशा क्लास का टाइम कितना है? क्लास 7:15 से लेकर 9:30 के आसपास तक चलेगी। 7:15 का टाइम होता है, 7:15 से लेकर 7:20-25 से 7:30 तक क्लास शुरू हो जाती है, और 9:30 के लगभग चलेगी, 2 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। तो ऋण संबंधी खंड, देखो ये जो वित्त विधेयक फर्स्ट होते हैं ये भी धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, और लोकसभा में भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किए जा सकते, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति या पूर्व सहमति से केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अन्य जो मामले हैं वो साधारण विधेयक की तरह होते हैं,
अन्य जो प्रक्रिया है वो एक साधारण विधेय की तरह होती, साधारण विधेय की तरह होती, यानी केवल इतना अंतर है कि लोकसभा में पेश होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होगा, बाकी की जो प्रक्रिया है वो सेम है, जो साधारण विधेयक की है वही प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि कोई भी प्रस्तावित जो कर है उसको कम करने के लिए या प्रस्तावित कर को समाप्त करने के लिए जो विधेयक पेश किया जाएगा वो होगा तो वित्त विधेयक फर्स्ट ही, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रस्तावित कर कम या समाप्त करने वाला, कम या समाप्त करने वाला विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं, ये हो गया आपका वित्त विधेयक फर्स्ट। अगला है वित्त विधेयक सेकंड, वित्त विधेयक सेकंड, वित्त विधेयक सेकंड का जो उल्लेख है अनुच्छेद 117(3) में है, अनुच्छेद 117(3) में है वित्त विधेयक सेकंड। इसमें बात हम करें तो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है वो इसके अंतर्गत आता है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित विधेयक इसके अंतर्गत आता है, संबंधित विधेयक इसके अंतर्गत आता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जो अनुच्छेद 110 में, ऐसा मामला जो अनुच्छेद 110 में है वो छोड़कर, को छोड़कर। और ये जो वित्त विधेयक सेकंड है ये विधेयक किसी भी सदन में राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही पारित होता है, अर्थात किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना पारित नहीं हो सकेगा, बाकी का सेम है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बिना किसी भी सदन में पारित नहीं हो, किसी भी सदन में पारित नहीं, बाकी की जो प्रक्रिया है वो सेम है जो एक साधारण विधेयक की होती है। ये बात हो गई आपकी वित्त विधेयक की। अब हम चौथे प्रकार के विधेयक की बात कर लेते हैं, और चौथा प्रकार का जो विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक। चौथा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन भी, तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है वो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, और जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो केवल और केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, और संसद अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान में
संसद अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के जो उपबंध हैं उसमें से किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या निरसन कर सकती है। देखो ये शब्द है, ये पकड़ना है, यानी संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन यानी उसको बढ़ा सकती है, किसी भी उपबंध में परिवर्तन यानी परिवर्तन कर सकती है, किसी भी उपबंध का निरसन अर्थात तो उसको समाप्त कर सकती है। तो संसद है वो अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध को बढ़ा सकती है, परिवर्तन कर सकती है, घटा सकती है। ठीक है, जो केशवानंद भारती का मामला था 1963 का, इसमें एक मूल ढांचे का सिद्धांत आया और इसमें ये प्रतिपादित किया गया कि संसद है वो संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है, अर्थात मूल ढांचे में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है, या संसद है वो मूल ढांचे में संशोधन करने के सक्षम नहीं है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 का है और इसमें मूल ढांचे का नियम आया, मूल ढांचे का सिद्धांत या नियम आया और इसमें ये प्रतिपादित किया गया कि जो संसद है वो मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात संसद है वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। ये निर्णय आया था केशवानंद भारती मामले में। अब हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पे जो प्रक्रिया होती है उस, तो संविधान संशोधन विधेयक पर प्रक्रिया, संशोधन विधेयक पर प्रक्रिया, देखो जो संविधान संशोधन विधेयक है ये किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात ये राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है पहले, या पहले लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसका धन विधेयक की तरह लोकसभा वाला प्रावधान इसमें नहीं है, तो किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यों की विधान मंडल है उसमें संविधान संशोधन विधेयक है वो आरंभ नहीं किया जा सकता है, राज्य विधान मंडलों में नहीं, राज्य विधान मंडलों में नहीं। पहली बात, किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी मंत्री यानी सरकारी सदस्य या फिर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि मंत्री ही पेश करे, कोई भी इसको पेश कर सकता है। इसमें जिस तरह धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है इसमें नहीं होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। ये जो विधेयक है ये संसद के विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, संसद के विशेष बहुमत, पारित होना जरूरी है। देखो साधारण जो विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं, अर्थात संसद के सामान्य बहुमत का मतलब है किसी भी सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत से पारित हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है ये संसद के विशेष बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद की जो कुल सदस्य संख्या है, किसी भी सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, कुल सदस्य संख्या का
बहुमत, वह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, उपस्थित वह मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, और जो संविधान संशोधन विधेयक संघीय व्यवस्था से संबंधित है या संघीय व्यवस्था में संशोधन करने से संबंधित, अर्थात ऐसे विधेयक जिनकी वजह से राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे विधेयकों में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति भी जरूरी होती है। और आधे राज्य जो क्यों राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो साधारण बहुमत से अपनी सहमति देते हैं। संघीय व्यवस्था में संशोधन से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक हैं उनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति की भी आवश्यकता है। संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमत भी आवश्यक। और ये जो आधे राज्य के विधानमंडल जो सहमति देंगे ये अपने साधारण बहुमत से देंगे, साधारण बहुमत से देंगे, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान संशोधन विधेयक हैं इन पे भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो जिस तरह धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, उसी तरह संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, या जहां आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता है तो सहमति मिलने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। और राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए जो बाध्य किया गया ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति न तो अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति केवल और केवल सहमति ही देगा, सहमति देने के लिए बाध्य है। और सहमति देने के लिए बाध्य राष्ट्रपति को जो किया गया था वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति कुछ जो संघीय व्यवस्था से संबंधित संशोधन के जो विधेयक हैं उनमें आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। अब ये जो आधे राज्य हैं ये कितने दिनों में सहमति देंगे वो समय सीमा निर्धारित नहीं है। समयावधि निर्धारित नहीं है किसके लिए, आधे राज्यों के द्वारा सहमति देने की समयावधि निर्धारित नहीं है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध। देखो एक भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में तीन तरह से संशोधन किया जा सकता है। तो तीन तरह से संशोधन होता है, संशोधन तीन तरह से होता है। एक संशोधन होता है संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत अर्थात संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से, जिसके अभी हम बात कर ही रहे थे। संसद के विशेष बहुमत का मतलब है संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। और तीसरा जो तरीका है वो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति।
संसद के विशेष बहुमत के साथ। आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो दो और तीसरा जो प्रावधान है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति से जो संशोधन होते हैं, यही संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यही संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। संसद के साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है, वो एक साधारण विधेयक के अंतर्गत आएगा, न कि संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत दो ही होंगे, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति से। इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब हम ये तीनों तरह के जो संशोधन होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो पहला हम ले लें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, वो मामले जिनमें संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है या संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाते हैं, उनकी हम बात करें तो उन मामलों की बात करें तो एक मामला है नए राज्य का प्रवेश या गठन। नए राज्य का प्रवेश या गठन करना है तो संसद के साधारण बहुमत से हो जाएगा। नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण तो संसद के साधारण बहुमत से हो जाएगा। और जो राज्य हैं, उन राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन करना है। नए राज्य का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का गठन करना है या समापन करना है, तो राज्य विधान परिषद का गठन या समापन भी साधारण बहुमत से होगा। दूसरी अनुसूची में संशोधन, दूसरी अनुसूची में संशोधन, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है और इसमें जो संशोधन होगा वो भी एक साधारण बहुमत से हो जाएगा। संसद में गणपूर्ति में कोई संशोधन करना है, संसद में गणपूर्ति से संबंधित कोई संशोधन, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में संशोधन, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण, संसद के प्रक्रिया नियम का निर्धारण, संसद के प्रक्रिया नियम। संसद संसद सदस्य और संसद समितियों के विशेषाधिकार, संसद समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित कोई विधेयक है, विशेषाधिकार से संबंधित कोई विधेयक है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग से संबंधित विधेयक। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में
अवर न्यायाधीशों की संख्या। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व देना, उच्चतम न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व देना, ये साधारण संशोधन के तहत आ जाएगा। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति साधारण संशोधन के तहत। संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन साधारण संशोधन के तहत। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण, केंद्र शासित प्रदेश। छठी अनुसूची और पांचवी और छठी अनुसूची, पांचवी व छठी अनुसूची में कोई संशोधन करना है, ये सब संसद के साधारण बहुमत से हो जाएंगे, अर्थात इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी, ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे और संसद के साधारण बहुमत से इनमें संशोधन किया जा सकेगा। अगला है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। देखो, संसद के विशेष बहुमत की अभी हम बात कर ही रहे थे कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और इसके साथ साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये संशोधन होगा। और इसके अंतर्गत जो आएंगे, एक तो आपके जो मूल अधिकार है उसमें कोई संशोधन है वो इसी के तहत होगा, नीति निर्देशक तत्वों में जो संशोधन है वो इसी के तहत होगा, नीति निर्देशक तत्व। में संशोधन इसी के तहत होगा और इसके अलावा वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं, वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणी के अंतर्गत नहीं। अर्थात जो संसद के साधारण बहुमत के और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के अंतर्गत जो नहीं है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। अब हम बात कर लेते हैं संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति से संशोधन। थर्ड, संसद के विशेष बहुमत व आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति से संशोधन। देखो, इसके अंतर्गत संघीय व्यवस्था में कोई संशोधन करना है वो सभी विशेष के अंतर्गत आ जाए। संघीय व्यवस्था में संशोधन से संबंधित
सभी विषय हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि कुछ मामलों की हम बात करें जो इसके अंतर्गत आएंगे, तो उसमें एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन व प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन व राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है इसके तहत आएगा। दूसरा, केंद्र व राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, केंद्र व राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा, उच्चतम व उच्च न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन है, उच्चतम व उच्च न्यायालय से संबंधित कोई संशोधन इसके अंतर्गत आएगा। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा या विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन इसके अंतर्गत आएगा, शक्तियों का विभाजन इसके अंतर्गत आएगा। सातवीं, अनुसूची में संशोधन इसी के तहत होगा। सातवीं अनुसूची का कोई विषय जिसमें संशोधन करना है वो इसी के अंतर्गत आएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में कोई संशोधन करना है इसी के अंतर्गत आएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार का संशोधन है वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, अर्थात स्वयं अनुच्छेद 368 में किसी भी तरह का संशोधन करना है तो वो इसके अंतर्गत आता है। ये तीन तरह से संविधान में संशोधन हो सकता है, जिसमें दूसरा और तीसरा है वो संविधान संशोधन विधेयक के तहत आता है, उसी को संविधान संशोधन माना जाता है, बाकी को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यानी संसद के साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो ना उनके लिए साधारण विधेयक वाली प्रक्रिया होती है और उनको संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों में संशोधन व संविधान का मूल ढांचा। मूल अधिकारों में संशोधन व संविधान का मूल ढांचा, या संविधान की मूल संरचना भी कह सकते हैं, संविधान का मूल ढांचा या संविधान की मूल संरचना। देखो, अब यहाँ हम ये चर्चा करेंगे कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किए गए विभिन्न वाद या मामले हैं, जिनमें अलग अलग निर्णय दिया गया, किसी वाद में ये निर्णय दिया गया कि संसद है संविधान मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, और कई जगह ये निर्णय दिया गया कि संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो उन सभी वादों की या मामलों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इसके संबंध में सबसे पहला जो वाद है वो है संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का ये वाद है। ये जो वाद था, इस वाद में जो संपत्ति का अधिकार जो समाप्त किया गया था, उस संपत्ति के अधिकार की समाप्ति को चुनौती इसमें दी गई। तो
संपत्ति के अधिकार समाप्ति को इसमें चुनौती दी गई, अधिकार समाप्ति को चुनौती इस वाद के तहत दी गई थी। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अर्थात इसमें यह कहा गया कि जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। इसमें यह कहा गया कि जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 13 का उल्लंघन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये निर्णय दिया गया संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद जो 1951 का है। इसके बाद में अगला जो वाद है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का ये वाद है। इस वाद के तहत जो सातवां संविधान संशोधन था उसको चुनौती दी गई थी। तो इस वाद के तहत सातवें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, सातवें संविधान संशोधन को चुनौती इसमें दी गई। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसकी हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार हैं वो श्रेष्ठ हैं, प्रतिरक्षित हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार श्रेष्ठ है वे प्रतिरक्षित है, और मूल अधिकार श्रेष्ठ हैं प्रतिरक्षित हैं इसलिए संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यानी इसमें ये माना गया कि जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। जहाँ संकरी प्रसाद मामले में तो ये कहा गया था कि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, बल्कि इसमें ये कहा गया कि संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, और संसद है वो मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, निरसन नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकार श्रेष्ठ है प्रतिरक्षित है। इसके बाद अगला जो वाद, ये जो गोलकनाथ का निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस निर्णय को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया जाता है 1971 में, 24वां संविधान संशोधन 1971। तो इसमें जो गोलकनाथ का जो निर्णय था, गोलकनाथ वाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उस पे इसमें प्रतिक्रिया दी गई, और इसमें ये कहा गया इस वाद में, इस संशोधन में ये जोड़ा गया कि संसद है वो मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती, संसद मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, संशोधन है ये विधि नहीं है, संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं। इस तरह गोलकनाथ वाद में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको इसके तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया।
इसके बाद में अगला जो वाद था वो था केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, 1973 का वाद है। और ये जो था इसमें गोलकनाथ वाला जो वाद था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको इसमें पलट दिया गया, और इसमें जो 24वां संविधान संशोधन था उसकी वैधता को बरकरार रखा गया। गोलकनाथ इस वाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उस निर्णय में गोलकनाथ वाद वाले निर्णय को पलट दिया गया, पलट दिया गया। और 24वां जो संविधान संशोधन था इसकी वैधता को बरकरार रख, वैधता को बरकरार रखा। यानी इसमें ये कहा गया गोलकनाथ केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संसद है वो मूल अधिकारों को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, संसद फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। लेकिन इसी वाद में एक मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया केशवानंद भारती वाद में। और इसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद है वो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, अर्थात संसद है वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। बाकी के संविधान के किसी भी उपबंध में अनुच्छेद 368 के तहत संसद है वो संशोधन कर सकती है। अब ये जो मूल ढांचे का अधिनियम आया या सिद्धांत आया, मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया इसके प्रतिक्रिया स्वरूप संविधान संशोधन किया गया 42, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसमें मूल ढांचे का जो सिद्धांत था इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, मूल ढांचे के सिद्धांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। और इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है, ये न्यायिक समीक्षा से परे है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन न्यायिक समीक्षा से परे है, न्यायिक समीक्षा से परे है ये इसमें निर्णय दिया गया। अर्थात इसमें ये संसद ने कानून बना दिया या अधिनियम बना दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, अर्थात उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसके बाद में एक और वाद आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 का, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 का ये वाद है। और इस वाद की बात करें तो इस वाद में 42वां जो संविधान संशोधन था जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होगा वो न्यायिक समीक्षा से परे है, उसको अवैध ठहरा। 42वें संविधान संशोधन 1976 का जो था निर्णय था उसको इसमें अवैध ठहरा है। अवैध ठहराया और ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन है वो न्यायिक समीक्षा के तहत है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती, न्यायिक समीक्षा जा। इसके बाद में एक और वाद है 1981 का है, ये वामन राव बनाम भारत संघ 81 का मामला, वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का ये वाद है। और इस वाद में संसद ने मूल ढांचे की पुनः बात कही, मूल ढांचे की बात पुनः कही सुप्रीम कोर्ट ने।
मूल ढांचे की पुनः बात की सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में। मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वो केशवानंद भारती वाले मामले में हुआ था, और ये जो वामन राव बनाम भारत संघ वाला वाद है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया उसमें मूल ढांचे वाली बात को पुनः दोहराया, और साथ में ये कह दिया गया कि ये जो मूल ढांचे का प्रावधान है ये केशवानंद भारती का जो मामला है उसकी तारीख के बाद से प्रभावित होगा, अर्थात 24 अप्रैल 1973 के बाद से प्रभावित होगा। इसमें ये भी कहा गया कि जो मूल ढांचे का प्रावधान है ये 24 अप्रैल 1973 के बाद से प्रभावी होगा, और इस दिन ये जो 24 अप्रैल है इस दिन केशवानंद भारती वाला जो मामला था उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसकी तारीख को इसमें निर्धारित किया गया कि इसके बाद से प्रभावी होगा या लागू होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा क्या है, देखो वैसे संविधान में मूल ढांचा शब्द जरूर लिखा गया है लेकिन इस मूल ढांचे को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, या ये नहीं बताया गया कि कौन सा मूल ढांचा है। यानी केवल इतना है कि मूल ढांचे को छोड़कर संसद किसी भी भाग में या संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न निर्णय आए उसमें मूल ढांचे की कुछ कुछ बातें की गई, तो कुछ विषय जिनको मूल ढांचे में रखा गया उनकी हम बात कर लेते हैं। अनेक जो न्यायिक फैसले थे, न्यायिक फैसले में निम्न को मूल ढांचे में रखा गया, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है, संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा है, अर्थात संविधान सर्वोच्च है इस बात में संशोधन नहीं हो सकता, जो मूल ढांचे के अंतर्गत है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा, भारत की जो प्रकृति है, यानी भारत की जो प्रकृति है संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रकृति, ये मूल ढांचा है। संविधान की जो धर्म निरपेक्ष छवि है मूल ढांचा, संविधान की धर्म निरपेक्ष छवि मूल ढांचा है। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्तियों का विभाजन है मूल ढांचा है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन मूल ढांचा। संविधान का जो संघीय रूप है मूल ढांचा है, संविधान का संघीय रूप मूल ढांचा है, राष्ट्र की एकता व अखंडता मूल ढांचा है, एकता व अखंडता मूल ढांचा है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है अर्थात सामाजिक आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है मूल ढांचा है, न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है मूल ढांचा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सम्मान का जो प्रावधान है मूल ढांचा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सम्मान मूल ढांचा है, संसदीय प्रणाली मूल ढांचा है, विधि का शासन ये भी मूल ढांचा है, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य व समन्वय मूल ढांचा है, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के बीच
सामंजस्य व संतुलन मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा। समानता का सिद्धांत मूल ढांचा, समानता का सिद्धांत मूल ढांचा है। 14वां स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन मूल ढांचे के अंतर्गत है। स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन मूल ढांचे के अंतर्गत है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। न्याय उपलब्धता मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां मूल ढांचे, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, ये सब मूल ढांचे आते हैं। जितने भी मैंने लिखे हैं, जो मूल ढांचे में मैंने रखे हैं, इनको संसद है कम नहीं कर सकती, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बाकी अन्य किसी भी संविधान के उपबंध में संसद है, वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है। ठीक है, ये संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत जो चार तरह के विधेयक हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इस पे चर्चा हो गई। इसके साथ साथ मूल ढांचे पर भी चर्चा हो गई। मूल ढांचे से भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है उसकी बातें हो गई। और आज के लिए इतनी ही चर्चा हम करेंगे, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।